सब्सक्राइब करें आराधनास कुकिंग शो को और दबाएं बेल बटन मेरी बनाई गई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कुलचा। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 कप मैदा, 3 से 4 मध्यम आकार के आलू उबालकर मैश किए हुए, 1/4 कप दही, 4 छोटे चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 से 4 बड़े चम्मच हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम मैदे में नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच घी और दही डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम गुनगुने पानी की सहायता से इसका मुलायम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। आटे को गूंथते समय आप हथेलियों के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करें। हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी गीले कपड़े से ढककर 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे कुलचे की। इसके लिए हम आलू में धनिया पत्ती डाल देंगे, हरी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमारे कुलचे की फिलिंग तैयार हो गई है। 2 घंटे हो गए हैं और अब हमारा आटा भी फर्मेंट हो गया है। एक बार फिर से हम आटे को हथेलियों के पिछले हिस्से से गूंथ लेंगे। इसके बाद हम डो का एक छोटा हिस्सा ले लेंगे और इसे हम हथेलियों की सहायता से यूँ गोल आकार दे देंगे और फिर थोड़े से सूखे मैदे की सहायता से हम इसे पूरी के आकार का बेल लेंगे। पूरी के आकार का बेलने के बाद हम इसमें तैयार की गई आलू की फिलिंग रख देंगे। और फिर हम इसे हाथों की सहायता से यूं बंद कर देंगे। ध्यान रखें, आप इसे ठीक से बंद करें, नहीं तो बेलते समय ये फट जाएगा। इसके बाद हम इस लोई पे धनिया पत्ती लगा देंगे और धनिया पत्ती लगाने के बाद हम सूखे मैदे की सहायता से इसे बेल देंगे। ध्यान रखें, आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। बेलने के बाद हम इसके एक तरफ पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये सेकते समय तवे से गिरेगा नहीं। अब हम गरम तवे पर कुलचे को रख देंगे और इसे हल्के हाथों से दबा देंगे और हम इसी तरह इसे 1 मिनट तक सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम यूँ तवे को पलटकर कुलचे को दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और हमारा कुलचा तैयार है। हम इसे तवे से निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और हमारा कुलचा तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।